उच्च हिमालय क्षेत्रों में कई ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ विभिन्न बीमारियों में कारगर साबित होती है। वर्तमान समय में बालों के झड़ने, सिर में डैंड्रफ की समस्या से लेकर बालों की ग्रोथ धीमी होने में कई लोग परेशान हैं। खासतौर पर महिलाओं में बालों के टूटने की समस्या बनी रहती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए तरह तरह के उपचार किए जाते हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटी है जो बालों को स्वस्थ व तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए कारगर साबित है। इसका प्रयोग हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पारंपरिक रूप से करते आ रहे हैं। इस औषधीय पादप का नाम है बालछड़ी। उच्च हिमालय पादप शोध संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विजय लक्ष्मी त्रिवेदी का कहना है कि बालछड़ी उच्च हिमालय इलाकों में पाए जाने वाली औषधीय पौधा है। बताती हैं कि इसका महत्वपूर्ण कंपोनेंट सिकोनिन है जो लाल डाई की तरह दिखता है। यह बालों के लिए लाभदायक इसलिए है क्योंकि यह तेल के साथ मिलकर पूरी तरह पिघल जाता है जिससे कि यह बालों के जड़ों तक पहुंच जाता है। बालछड़ी के पौधे के हर भाग में एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, फिर वो पौधे के ऊपरी से लेकर निचला हिस्सा जड़ ही क्यों न हो। डॉक्टर विजय लक्ष्मी जानकारी देते हुए बताती हैं कि इसमें रिजनरेटिंग पावर एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हेयर ग्रोथ के लिए बेहतर है। बताती हैं कि यह बालों के टूटने की समस्या से भी निजात दिलाने में कारगर साबित होता है। कहती हैं कि हिमालय क्षेत्रों में इसे केवल बालों के लिए ही नहीं बल्कि बुखार, गले में दर्द, जीभ में इन्फेक्शन होने पर भी प्रयोग में लाया जाता है। डॉक्टर विजय लक्ष्मी त्रिवेदी बताती हैं कि इसका प्रयोग मेडिसिनल के अलावा फूड कलरिंग के लिए भी किया जाता है। कहती हैं कि यूरोपियन देशों में नेचुरल रेड फूड कलर के लिए यह प्रयोग में लाया जाता है। बालछड़ी जो आप कह रहे हैं उसका वैज्ञानिक नाम हम कहें तो अर्निबिया बेंथमी है, ठीक है, और ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ही होती है और स्पेशली इंडियन हिमालय की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य ये एक पौधा है। इसका जो इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है इसमें एक डाई होती है लाल रंग की जिसको बोलते हैं सिकोनिन। अगर और अगर हम थेरेप्यूटिक कंपोनेंट की बात करें तो ये सिकोनिन जो डाई है ये इसका इम्पोर्टेंट थेरेप्यूटिक कंपोनेंट है और ये बालों के लिए इसलिए ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है कि इसकी विशेषता है कि ये तेल के साथ जो है वो पिघल जाती है डाई, और क्योंकि तेल के साथ मिला के जब हम इसको बालों में लगाते हैं तो ये बिल्कुल बालों के जड़ों तक पहुँच जाती है। और ये जो पौधा है चाहे इसकी जड़ हो, चाहे इसकी पत्तियाँ हो, चाहे इसके मिट्टी के नीचे का जो भूभाग हो, जो भाग हो इसका, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी पाए जाते हैं जो रिजनरेटिंग पावर रखते हैं। तो ऑब्वियसली अगर रिजनरेटिंग पावर है, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, तो जो न्यू हेयर ग्रोथ है उसके लिए ये अच्छे ही होंगे। इसके अलावा कई सारे फोक सिस्टम है, चाहे उत्तराखंड के हों, ये कश्मीर हिमालय के हों या दूसरे हिमालयन रीजन के हों, उन फोक सिस्टम में से बालों के लिए ही नहीं बल्कि अन्य रोग जैसे बुखार के लिए और ये गले में दर्द होता है उसके लिए, जीभ में इन्फेक्शन हो उसके लिए, और इवन जो कार्डियक जो डिजीज है उनके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और सिर्फ मेडिसिनली ही नहीं बल्कि इसको जो फूड कलरिंग एजेंट के रूप में भी बहुत सारे स्पेशली जो विदेशों में है, यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पर इसको एज अ फूड को रेड कलर देने के लिए भी जो है नेचुरल डाई की तरह यूज किया जाता है। लोकल 18 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से कमल पिमोली की रिपोर्ट।